वाह, मेरा मेरा पुराना ये शीशा बना जो के है रखा है आप लोगों ने, है ना, लकड़ी का। ये देखो पानी पानी पीने पीने का, के लिए, गाइस हाँ देखो पहले का पुराना है। ये देखो, तो यही है, कहाँ जाना है? पानी पीने के लिए कितना खतरनाक बनाया है ये। लक्कड़ का पेड़ को बीच से खोखला करके बनाया है ये। अपने वकील साहब ये ठंडे पानी से नहा रहे, पाइप जोड़ के जहाँ पे कपड़े धोने का है वहाँ पे गुड खुद घुसे मॉर्निंग, हुए कैसे ये। हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इस वक्त मैं हूँ टापरी में, अभी हम जा रहे हैं वकील साहब के गांव। अभी हम यहाँ पे टापरी में रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, प्रोग्रामों में। यहाँ बाजार में तो कहीं पर भी दुकान शॉप मतलब होटल ओपन नहीं है, सब बंद है क्योंकि आज है संडे। तो फिर हम आए हैं रेस्टोरेंट ये प्रोग्रामंग। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे गांव, वकील साहब के गांव जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको वकील साहब का गांव कहाँ पे है। हमारे दो भाई लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे अशोक थे। एक बार हम करेंगे ब्रेकफास्ट यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सुबह आए हम। ये देखो अभी तो होटल में भाई साहब ये चेयर एक सफाई, साफ सफाई चला हुआ है। ये देखो सेटिंग चली हुई है यहाँ पे, इन्होंने अभी सफाई किया हुआ है। तो फिर हम थोड़ा जल्दी आए थे यहाँ पे। गाइस हमारा पराठा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में हमने बनाए हैं पराठे प्लस भुजिया। हम दोनों खाएंगे पराठे और भुजिया खाएंगे, और अशोक ये भुजिया नहीं खाते हैं। ये खाएंगे मक्खन, लिया है मक्खन, और प्लस हमने लिया है चाय। अब एक बार करते हैं ब्रेकफास्ट। उसने कर लिया ब्रेकफास्ट, अब हम जाएंगे सीधे जानी गांव, वकील साहब का गांव है वो। ठीक है निकलते हैं, ये है हमारी गाड़ी। किया हमने ब्रेकफास्ट, ये देखो प्रोग्रामंग बार एंड रेस्टोरेंट। हमारे उस्ताद जी ये देखो, हम पहुंच गए हैं जानी गांव। गांव है ऊपर, ये देखो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। गांव है ऊपर, गांव मतलब यहाँ से ऊपर बगीचे बगीचे है पूरे। वकील आते, ये कौन से पेड़ है? ये है बांध का, किस काम का? ये भेड़ भेड़ बकरियां खाती है? हाँ बिल्कुल खाती है। इसकी पत्ती है कांटे जैसे है ये, मतलब जब बड़ा हो जाएगा तो इसका अपने आप ही वो चेंज हो जाएगा शेप, कांटे हट जाएंगे। बड़े तो ये तो है बड़े, ये सारा नया हुआ है ना। हाँ जब नए शूट कितने गाइस देखो, इसके पत्तियां कुछ इस तरह के है जो साइड साइड में काट, यार कांटे कैसे खत्म होंगे, हो जाते हैं। ये तो पक गया है, ये तो पूरा सूख भी गया है। अच्छा उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ये देखो गाइस ये पेड़, ये देखो पत्तियां, ये देखो ये। अच्छा ये पूरा गाइज अभी मतलब ये फ्रेश होगा, ये जब नया नया होगा उस टाइम ऐसा होगा ये, और जब लास्ट में पूरा पत्ती तैयार हो जाएगा उसका इस तरह से होगा, मतलब इसके जो कांटे हैं वो खत्म हो गए। ये देखिए व्यू, फ्लावरिंग देखो, और ये देखो बगीचे, ये है सेब के बगीचे पौधे देखो, ये है कुछ इस तरह से, बहुत खूबसूरत है। मतलब बगीचे भी अच्छे बनाए लोगों ने, ये देखो। और आपको ये दिख रहा होगा ये नीचे, इसके निचले साइड को, ये नीचे से है NH 05। कितने ऊंचे ऊंचे चोटियां, ये देखो भाई लोग बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। जाता हूँ मैं भी इनको पकड़ता हूँ, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा बहुत। चलते हैं, पहुंच गए हैं वकील साहब के बगीचे में। एक्चुअली हम क्यों आए थे मैं बताता हूँ आपको, वकील साहब ने यहाँ पे स्प्रे करना था तो इसलिए हम सुबह आए थे, सुबह टाइम से। उसके बाद एक दो घंटे का हम ये खत्म करके वापसी हम चले जाएंगे बाबा नगर। ये देखो वकील साहब, करो क्या करें, स्प्रे करो, स्टार्ट कर दो आप करो। वकील साहब के पापा भी आए ऊपर, ये मशीन और पाइप लेके, ये है ना, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब हम वकील साहब एक बार ये स्प्रे करेंगे, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं था तो वकील साहब को ले हम लेके आए थे यहाँ पे ना। वकील साहब आप लग गए अपने काम में, वकील साहब विक्रम को सिखा रहे स्प्रे करने के लिए। ये यहाँ से पड़ा किसके बगीचे? ये देखो ये यहाँ से पड़ा है। विक्रम भाई अभी नए नए हैं, आप नए नए हो क्या, है ना? रक्तम लगा है, पुराना है। अच्छा तब तो इसका स्प्रे करने आता होगा यार इसका। अच्छा
गाइस ये स्प्रे करने के लिए कम से कम दो बंदे तो जरूरी है, क्योंकि एक बंदा पाइप खींचेगा इस तरह से, देखो आगे से पाइप खींच रहे, एक बंदा स्प्रे करेंगे इस, फिर ऊपर मशीन के पास भी रहते हैं एक बंदे तो, कि वहाँ पे चेक करना होता है कहीं तेल वगैरह प्रेशर बनाना होता है वहां से, ये है ना। फिर ना ना थोड़ा आराम करते हैं वकील साहब, तब तक स्प्रे करते तक कुछ तो बोलो आप, अशोक कुछ तो बोलो, क्या बोलो, मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बोलो लाइक एंड शेयर जरूर करें, नहीं ढंग से बोलो, अभिषेक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बोलो नहीं बोलना ही। यहाँ पे जो दिख रहे ये है वकील साहब के पापा, अंकल जी नमस्ते, आप आगे। गाइस ये जो आपको दिख रहा है ये बीजा हुआ है गेहूं, ये देखो अच्छा ये जो पूरे खेत में बीजा हुआ है, ये देखो आपको दिख रहा होगा गेहूं बीजा हुआ है, और ये देखो फूल फ्लावरिंग चुल्ली में फ्लावरिंग लगा हुआ है चुल्ली, ये जो आपको जिसमें भी फूल दिख रहा है आपका ये है चुल्ली के पेड़, ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। वकील साहब का दोगरी किनौरी में बोलते हैं इसको शेन्नंग, ये है दोगरी जहाँ पे गाय वगैरह रखा जाता है। दोनों थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे आराम करेंगे, तब तक वकील साहब स्प्रे कर ले, स्प्रे करके ख़त्म करेंगे, तब तक हम दोनों यहाँ से नज़ारे देखेंगे। गाइस ये देखो यहाँ से ऊपर बगीचे देखो जानी वालों का, ये देखो एकदम ऊपर तक ऐसा बगीचा बना हुआ और कुछ। गाइज अभी मेरे यहाँ पे जीजा जी रहते हैं, उनको कॉल किया था मैंने, उनका गांव है यहीं पे, तो अभी उनको कॉल किया था तो वो फिर बोला हम दोनों यहाँ पे बगीचे में आए थे वकील साहब के, फिर यहीं से परे उनका घर को ही, तो फिर इन्होंने फ़ोन करके मैंने फ़ोन किया था, तब बोलते कि आ जाओ अरे मिल के जाओ इतना आए है दूर, तो फिर हम दोनों वैसे भी वहाँ पे बोर हो रहे थे, वकील साहब तो बिजी थे वहाँ पे, अभी उनके पास कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा, तो फिर हम दोनों जा रहे हैं वहाँ पे अपने जीजा जी से मिलने, कहीं तो आ गए उनका घर, हम पता नहीं बगीचों से जा रहे किसके बगीचों, रास्ता का तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है, हम जा रहे सीधे बगीचों से घुसते हुए, ये देखो अनाज बीजा हुआ है, ये देखो कहीं हमारे को देख लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो गाली सुने हम। ये है अपने जीजू का घर, जीजू साहब कर रहे हैं ऊपर स्प्रे, आपको दिख रहा होगा कहीं, ओ देखो ऊपर वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं। अब एक बार मैं फ़ोन करता हूँ क्या बोलते, देखते ऊपर जाएँ कि वो नीचे आएंगे, चलो करता हूँ एक बार कॉल। गाइज अब हम जा रहे हैं, कम से कम एक डेढ़ घंटा हमने गप्पे मारा अपने जीजू के साथ, ठीक है शापो, ओके ओके ओके। गाइज वकील साहब हो गए तैयार, कपड़े ख़त्म कर दिया, हमारे को बुलाए तो फिर अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे आए थे हम थोड़ा गप्पे मार के, अब जा रहे हैं, कम से कम एक दो घंटे हमने गप्पे मारे हैं यहाँ पे, अब हम वापसी जा रहे हैं। ये यहाँ से हमारे को ये दिया है दूध, इसमें दूध, वकील साहब ने बोला था कि हमारे को लस्सी लेके आना, फिर लस्सी तो था नहीं, फिर वहाँ से ये दूध दिया है, बोला ना हमने लस्सी वहाँ पी लिया तो पी ले टेस्टी है, बोला है ना ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो किस तरफ है, अरे डेंजर कुत्ता, चल भाई चल चल काटियो मत बस, वैसे घूर घूर के देख रहे हो डर ही लग रहा है, चल चल आ जा जी, ये कुत्ता जा रहा है इन भेड़ बकरियों के साथ, ये बकरियां देखो ये हिल चलो, वाह पुराना ये बना के रखा है आप लोगों ने, है ना लकड़ी का, ये देखो पानी पीने के लिए, गाइस ये देखो यही है, कहाँ जाना पानी पीने के लिए, कितना खतरनाक बनाया ये है, लकड़ का पेड़ को बीच से खोखला करके बनाया है ये देखो जी, आप इसको लेके जा रहे हैं आप चुगाने, कहाँ ले जा रहे हैं, फिर शाम को लाएंगे आप, लकड़ का। हेलो इसको प्यास लगी, प्यासे इंसान, पी लो पानी, टेस्टी है। वकील साहब पहुंच गए स्प्रे करके, कर लिया सर आपने खत्म, हाँ जी, कब तैयार हो गए, अभी तैयार हुए, हमने आपको लेट तो नहीं करा, नहीं सर हमने आपको लेट करा, नहीं 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 यार, और कोई मजेदार टेस्टी है, ओके सर मुझे पता था ना, तभी आपको, तभी आपने भी ठीक बोला, हमने लस्सी वाला,
वकील साहब लस्सी पीते हुए। वाह यार, अच्छा है ना, पानी आ रहा है। चार गिलास, इनने चार गिलास। इसमें कितना, चार ही गिलास होगा? नहीं, ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे, चार गिलास है। वकील साहब ने खत्म कर दिया लस्सी, कुछ हमारे को भी रखो। मजे की बात तो ये है कि वकील साहब को ये पता नहीं लग रहा कि लस्सी है कि दूध है कि दही है। क्या है ये? ओ गुरुजी, लस्सी है। क्या है लस्सी है कि क्या है? दही है। दही भी नहीं है, दूध है। तो फिर आपको क्या बोला यार? क्या है यार, फिर मैं दूध पिया नहीं, पिया याद नहीं है। याद नहीं है ना? नहीं, मेरा कहने का कि आप बचपन में नहीं, मतलब दो तीन साल हो गए, चार साल में, आपके चार साल में, जब आपका चार साल था पिया सर। तो उस टाइम दूध का टेस्ट पता नहीं लगा? तो आप इतना बड़ा हो गया यार, टेस्ट थोड़ी रहेगा यार। टेस्ट कैसे? तभी लस्सी पिया कि नहीं पिया? लस्सी बहुत पिया, बट उसका टेस्ट पता नहीं लग रहा इसके साथ। ये सारा साइकोलॉजिकल वो है सर। क्या हुआ? अब मैंने दिमाग में लस्सी सोच के पी लिया तो वो लस्सी बन गया। नहीं जरा, हाँ उसके साथ टेस्ट है। ओ मजा आ गया। तो और लो, और एक किलो। आप नहीं पीना? क्यों? वो यार डाल दिया ना दिमाग में। अब दिमाग में लगा दिया, दूध दूध है। चलो ठीक है, चलो। एक बंदा, एक्चुअली हम सब सस्पेंस में थे कि ये लस्सी है कि दूध है कि दही है। एक्चुअली फाइनली पता लग चुका है, ये है दही। दही भी नहीं है, मतलब दही बनने का स्टेज नहीं होता, एक लास्ट स्टेज की, हाँ थोड़ा सा दही बन रहा है वह, एक्चुअली वो ये दही है देखा जाए तो। क्योंकि हमारे, हमने वहाँ पूछा था कि लस्सी नहीं है बता, उन्होंने तो दूध ले जाना, तब फिर शायद उन्होंने, दीदी ने लगाया इसमें दही है ना। तो वकील साहब को हमने पिलाया तो वकील साहब बोलते मेरे को तो पता नहीं लगा दूध पे। फिर हमने किया, सबने टेस्ट कर दिया, हम तीनों ने टेस्ट किया दोबारा, एक्चुअली ये है दही। देखो बगीचे देखो इनके गाइस, यार कितने सारे बगीचे है। ये देखो 360 डिग्री में देखता हूँ मैं आपको व्यू, ये लो जी। और जो ये खड़े हैं हमारे वकील साहब, ये लो जी। और ये सामने अपनी गाड़ी, अब हम निकलते सीधे। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे स्नान करने, स्नान करने, फ्रेश होने, है ना। गर्म पानी कहाँ जाएंगे? गर्म पानी, गर्म पानी जहाँ पे मिट्टी के नीचे से निकलता है, गर्म पानी निकलता है, चश्मे का पानी है गर्म। कैसे मिट्टी के नीचे से? ऊपर से आता है पानी गर्म, नीचे से ही निकलेगा ना। तो क्या मतलब है, रिजर्व करके ऊपर से भी आ सकते हैं? यार ऐसे मत बोलो, वो उसके थ्रू आ सकते, उसमें भी नहीं आता है। कहाँ पे? अब हम जाएंगे गर्म पानी, उसका वीडियो मैंने आपको, गर्म पानी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नहीं देखा हुआ तो मैं आपकी अभी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा वीडियोस, आपने देख लेना। चलो ठीक है, अब मिलते हैं हम सीधे गर्म पानी के पास। गाइस ये नीचे आपको दिख रहा है, ये है NH05। चलो नहाने हमारे साथ। गर्म पानी और ठंडा पानी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। क्यों? तो फिर आपने कैसे नहाया? हम लोग ने तो उसमें नहाया नहीं जा रहे। और तो नहीं किया उसमें आप लोगों ने? सुसु तो नहीं किया? नहीं, और है कोई वहाँ पे नहाने वाले? खाली है, कोई नहीं है। हम पहुंच गए गर्म पानी के पास, अब हम जा रहे हैं नहाने। देखो ये देखो जी, ये देखो बंदे अभी ऑलरेडी नहा रहे हैं, देखो पर ये आपको दिख रहा होगा। घुसो तब फिर, कैसे मतलब कपड़े खोल के, या तो कपड़ों के साथ घुसो। पानी बहुत गर्म है भाई, मैं वही तुम्हें बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्म है। पानी तो उतनी है, पानी गर्म नहीं है, धूप लग गई ऊपर से आते हैं। उस दिन में इतना ही था यार। पानी इतना ही गर्म होता है यार, तो बंदों ने जबरदस्ती पहन लिया। अरे जबरदस्ती नहीं था, उसी शाम का टाइम था, हवा चल रही थी। यार दिन को गर्म ही होता है भाई, पानी इतना ही गर्म होता है, थोड़ी ना अभी ज्यादा उबल के आ रहा है पानी। अरे उस दिन भी उतना ही था। अपने वकील साहब ये ठंडे पानी से नहा रहे, पाइप जोड़ के जहाँ पे कपड़े धोने का है वहाँ पे खुद घुसे हुए। ये बताओ बट ये बनाया तो इसके लिए है ये। आप कहाँ घुसे इसमें? ये देखो हमने पानी खाली कर रहे यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये देखो पानी यहाँ से बाहर, अब ये खाली हो जाएगा, ये खाली होगा उसके बाद हम दोबारा इसमें लग जाएंगे, नहाएंगे इसमें। गर्म पानी यहाँ से निकलता पानी, बट आगे कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं है।
पिला खत्म कर दिया यार। पिला यार, पिलाया किसके लिए? मेरे लिए था। इसको दे। इसको दे। ये खाना। आ। मत करना यार। फिर वो सारा नीचे से गंदा निकाल रहे हो। निकल दे लेगा। मत करना ऐसा रवाना मुझे बैठ के रहो। हाँ जी, कब भरेगा ये? एक घंटे में। एक घंटे में भरेगा। ज़्यादा लगा तू करो ना। एक घंटा नहीं। चलो। एक घंटा। एक घंटा। ऐसा नहीं करा था समय आगे बंद कर दूँ जब बोलेगा। चली का होता है करने का। वो मैं तो बोलेगा तो बोलेगा। वीडियो में भी आएंगे उसके बाद। बहुत देर में आया तो पानी है ना। ये तो आपने पूरा खाली किया एक बार। अंतर जाके क्या जाके लग गया? नहीं तो गर्म कब हो जाएगा? फिर ये लगा था। गाइस फाइनली हम नहा धो के तैयार हो गए। अब हम जा रहे हैं बाजार के लिए। अब जाएंगे उसके बाद अब हम लंच करेंगे। गाइस यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना।